बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, पेज नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन आपको पहले भी बेटा कर चुकी हूँ कि जहाँ पर आपको ये साइन नज़र आएगा यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ओके, यानी पैरेललोग्राम की ये आपकी हाइट होगी और इस हाइट के साथ जो नीचे वाली आपकी लेंथ होगी दैट इज़ बेस। इस हाइट और बेस को यूज़ करते हुए आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें अगर यहाँ पर ये साइन है, इट्स मीन आपका 90 का एंगल ये वाला बन रहा है। इसको आप हाइट लेंगे और ये आपकी बेस होगी। इसी तरह नेक्स्ट में इट्स योर हाइट एंड दिस इज़ योर बेस। बेस अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी ये हाइट और ये बेस आप चूज़ करोगे। पार्ट ए इज हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी तरह से आपने इसके पार्ट बी टू ई खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पर उसने कहा है ए बी सी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, लेकिन यहाँ पर उसमें हमें पैरेललोग्राम दिया गया था, यहाँ पर हमें ट्राइंगल दी गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। इसमें भी हाइट और बेस आपको चाहिए। हाइट यहाँ पर ये देखें, ये आपको साइन नज़र आया है, इट्स मीन दिस इज योर हाइट एंड जब हाइट ये है तो आपकी बेस 4 सेंटीमीटर होगी। और अगर आप इसको इस तरह से करके देखते हैं, यहाँ पर देखें ये आपको एक साइन नज़र आ रहा है, इट्स मीन आपकी हाइट जब एक्स है तो आपकी बेस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आपकी हाइट 3 सेंटीमीटर थी बेस 4 सेंटीमीटर है, जब हाइट एक्स थी तो बेस 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 8 की तरह ही है, जस्ट फार्मूला आपने ट्रायंगल का लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए, व्हेन हाइट इज इक्वल टू 3 बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस 1/2 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर। 2 2s are 4 कैंसल हो गया, 3 2s are 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ वी विल यूज हाइट इज इक्वल टू एक्स एंड बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट एक्स एंड बेस 6 सेंटीमीटर। 2 3s are 6 एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर। बिकॉज इन बोथ वेज एरिया विल बी सेम, वही स्टेटमेंट जो हमने क्वेश्चन 8 में लिखी थी कि दोनों तरीके से एरिया सेम होगा, दैट्स वाई हम इस एरिए को और इस एरिए को इक्वल रखेंगे। 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और एरिया भी हमारे पास आ गया।